सबको नमस्कार। आज देश भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार और सभी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको ढेर सारी बधाई। दोस्तों, आज का दिन है जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, सुखदेव को याद करते हैं, राजगुरु को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, अशफाकुल्ला खान को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए। हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी को याद करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तपस्या की। और पिछले 73 साल में जब से देश आज़ाद हुआ है, न जाने कितने सैनिक बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हो गए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि किस तरह से इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमें कई बार एहसास भी नहीं होता जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि ये लोग हम कैसे अपनी ज़िंदगी में बिना एहसास की आज़ादी से घूम रहे होते हैं, अपने परिवार को पाल रहे होते हैं, अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी आज़ादी की कीमत क्या है। हमारी इस आज़ादी को कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगा के इस आज़ादी को बरकरार रखे हुए हैं। आज आइए सब लोग, हम सब लोग उनको नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज आपसे एक बड़ी अहम चर्चा करने के लिए मैंने ये मीटिंग रखी है देश के सभी कार्यकर्ताओं के साथ। हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना की महामारी से जूझ रही है। दिल्ली में भी खूब कोरोना हो गया था। एक टाइम ऐसा था जून के महीने में, आज से 2 महीने पहले, एक टाइम ऐसा था दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा कोरोना था कि चारों तरफ डर का माहौल था, केसेस बढ़ रहे थे, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लेकिन फिर हम सब लोगों ने मिलके, सबको साथ लेके, सबको मिलके कुछ ही दिनों के अंदर हमने उस पर काबू पाया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दिल्ली की में हमने कोरोना की बाजी जीत ली है, अभी हमें काफ़ी और आगे जाना है। लेकिन जो स्थिति 2 महीने पहले थी उससे कहीं ज़्यादा स्थिति आज अच्छी कंट्रोल में आ चुकी है। उसके लिए कई सारे कदम उठाए हम लोगों ने, प्लाज्मा बैंक बनाए, होम आइसोलेशन किया, टेस्टिंग खूब की हम लोगों ने, काफ़ी सारे कदम उठाए हम लोगों ने, बेड्स इंक्रीज़ किए, काफ़ी सारे कदम उठाए। आज पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसकी मुझे अच्छी खासी चिंता होती है। डेली 60,000 से ज़्यादा केस देश भर से आते हैं और डेली लगभग 800-900,000 के करीब लोगों की मौत हो रही है देश भर के अंदर। हर सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपने अपने तरीके से कोरोना से निपटने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। मैं काफ़ी सोच रहा था, मुझे लगता है कि अगर ये 2-3 कदम और जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, सारे जो कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अब जब कोरोना गांवों की तरफ फैल रहा है, गांव-गांव में फैल रहा है, तो ये बड़ी चिंता की विषय है। क्योंकि एक तो हमने 70 साल के अंदर अपने गाँव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएँ उतनी अच्छी तरह नहीं पहुँचाई, अस्पतालों की कमियाँ हैं, डॉक्टर्स की कमियाँ हैं। शहरों में तो फिर भी अस्पताल मिल जाते हैं, शहरों में तो फिर भी डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन गांव-गांव के अंदर कोरोना फैल गया तो इसकी स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। मेरे दिमाग में 1-2 सुझाव आ रहे थे, अगर कोई उनको करना चाहे। दिल्ली के अंदर हमने होम आइसोलेशन जो किया उससे कई सारे सबक मिले हम लोगों को। होम आइसोलेशन में एक सबक ये मिला कि अगर आज आपके 10,000 मरीज हैं तो उसमें 1,000 सीरियस होते हैं, मान लीजिए, तो 9,000 लोगों को हम घर में उनका इलाज कर देते हैं। अगर ये 10,000 के 10,000 मरीजों को अस्पताल ले जाते हैं तो
तो सोचो 10,000 बेड्स की जरूरत पड़ती, इतने अस्पताल तो थे नहीं। लेकिन अगर 1,000 मरीजों को ये अस्पताल लेके जाएंगे जो सीरियस हैं और 9,000 का इलाज हम घर में कर देंगे, तो मेरे 9,000 बेड बच गए हॉस्पिटल के, इतने बेड खाली हो गए। उसी तरह से अगर हम गाँव में अगर 3-step स्ट्रेटजी करें, एक स्टेप कि होम आइसोलेशन को बहुत अच्छा बनाए। होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके माइल्ड सिम्टम है, एसिम्टोमेटिक है, तो आपकी जिम्मेदारी से सरकार हाथ धो लेगी, नहीं। होम आइसोलेशन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। होम आइसोलेशन में घर में आपका इलाज हो रहा है, लेकिन रोज सरकारी डॉक्टर्स की टीम आपको सुबह शाम फोन करती है, आपसे आपका हाल पूछती है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये डॉक्टर्स की टेली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरा, जितने लोग होम आइसोलेशन में, सबको ऑक्सीमीटर दिया जाता है कि अगर उस वो अपनी ऑक्सीजन नापता रहे, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसको शिफ्ट किया जा सके। तो एक तो होम आइसोलेशन अगर कर दिया जाए तो जितने माइल्ड और एसिम्टोमेटिक है वो सब लोग अपने घर के अंदर उनका इलाज होता रहेगा। दूसरा, अगर हर गाँव में सरकारें ऑक्सीमीटर का इंतजाम कर दे और 2-4 सिलेंडर भेज दे, मान लीजिए पंचायत है, पंचायत घर में भेज दे, तो जिन जिन लोगों की ऑक्सीजन कम होगी उनको वहीं पे ऑक्सीजन दे के उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर फिर भी कोई और सीरियस होता है तो फिर उसको शहर के या डिस्ट्रिक्ट के या जिले के अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये मैं अपने अनुभव से, मेरा ये सुझाव है, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन सभी सरकारें अपना अपना अच्छा काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी पूरे देश को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। आज सभी कार्यकर्ताओं से मैंने अपील करने के लिए ये आपके साथ संवाद रखा है। सरकारें अपना काम कर रही है, सभी सरकारें अपना अपना काम कर रही है, लेकिन समाज इस टाइम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ के एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करें इस महामारी के दौरान। क्योंकि जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कोई भी एक सरकार अकेले इस महामारी से नहीं निपट सकती, सबको साथ आना पड़ेगा, समाज को भी साथ आना पड़ेगा, सभी सरकारों को भी साथ आना पड़ेगा, सभी संस्थाओं को भी साथ आना पड़ेगा। तो आज मेरी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, सपोर्टर्स से, डोनर्स से, सब लोगों से अपील है, या आप आम आदमी पार्टी के नहीं भी हैं, जो भी देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उन सब लोगों से अपील है कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में, ज़्यादा से ज़्यादा गांवों के अंदर, देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा गांवों में, हर गांव में एक एक व्यक्ति को एक एक ऑक्सीमीटर देके उस गांव की जिम्मेदारी दे दी जाए। ये पूरा समाज की तरफ से है, ये पूरा हम, ये प्राइवेट एफर्ट है, इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। तो एक गांव के अंदर मान लीजिए एक व्यक्ति को ऑक्सीमीटर दे देते हैं और पूरे गांव के अंदर पर्चा बांट के कह देते हैं, भाई अगर किसी को भी बुखार हो, किसी को भी सांस लेने में तकलीफ हो, किसी को भी खांसी हो, तो वो बता दे और ये व्यक्ति अपना ऑक्सीमीटर उनके घर पहुंचा देगा और वो अपनी ऑक्सीजन की जांच कर सकते हैं। उस व्यक्ति को अपनी कोरोना के तो जांच करानी चाहिए, वो तो सरकार जांच करेगी, जहां भी जांच केंद्र होंगे वहां जाके वो अपनी जांच कराएगा, लेकिन कई जगह, कई राज्यों के अंदर जांच फैसिलिटी तक पहुंचने में मान लीजिए देर लग जाए, जांच के नतीजे आने में देर लग जाए, तो ऑक्सीमीटर से अगर पता चल जाए कि उसे ऑक्सीजन कम हो रही है तो तुरंत उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाके कम से कम ऑक्सीजन देके उसकी जान बचाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोरोना में ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं और आदमी की डेथ हो जाती है, मोस्टली केसेस में यही होता है। तो मेरी एक तो अपील है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीमीटर्स डोनेट कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीमीटर्स हमें डोनेट कीजिए और आम आदमी पार्टी को डोनेट कीजिए, और हम ये ऑक्सीमीटर्स जो जिन जिन गांवों के अंदर लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे उन उन गांवों के अंदर ये ऑक्सीमीटर पहुंचा देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश भर में गांवों में हम ऑक्सीजन जांच केंद्र, एक एक ऑक्सीजन जांच केंद्र बनाएंगे, ताकि अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो जाए
तो वो अपनी ऑक्सीजन जांच करके और उसको उसकी जान बचाई जा सके। इसके ज़रिए हमारा मकसद केवल जान बचाने का है। इसमें क्या-क्या हिदायतें बरतनी है वो सारी हम ट्रेनिंग कर देंगे कि कहीं उसको ऑक्सीमीटर को सैनिटाइज कैसे करना है, अपने को कैसे बचाना है, मास्क पहन के कैसे जाना है। मान लीजिए कभी आप जांच करें और आपको ही कोरोना ना हो जाए, इन सब चीज़ों की हम अलग से एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के हमने पूरी प्लानिंग करी है, वो सारा हम अलग से बता देंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक तो अगर आप ऑक्सीमीटर दान करना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, और दूसरा ये कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आप अपने गांव की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। जितने भी आम आदमी पार्टी के स्टेट अध्यक्ष हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष हैं, उन सबको आज मैं जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि आपके अंडर में आने वाले जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर आप ये ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल सकते हैं आप ज़रूर खोलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश कीजिए। कल मेरा जन्मदिन है, मैं जन्मदिन नहीं मना रहा कल। सो मेरी आप सब लोगों से विनती है, कई लोग अपने आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए घर पे आते हैं, तो प्लीज़ मेरे घर मत आइएगा कल। इसमें बुरा मत मानिए, आप अपने अपने घर से मुझे आशीर्वाद भेज सकते हैं, अपने अपने घर से मुझे शुभकामनाएं भेज सकते हैं, और लेकिन मैं जन्मदिन नहीं मना रहा, मैं आपको केक नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से मुझे गिफ्ट चाहिए, और वो गिफ्ट यही है कि जो लोग जितने ऑक्सीमीटर आम आदमी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं आप प्लीज़ डोनेट कीजिए, और जो जो लोग अपने अपने गांव की, अपनी अपनी कॉलोनी की जिम्मेदारी ले सकते हैं आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए, और ऑक्सीजन जांच केंद्र अपने गांव में, अपने इलाके में शुरू कीजिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हम अपने लोगों की जान बचानी है, एक एक जान कीमती है हम लोगों के लिए। कुछ लोगों ने ऑलरेडी, मैं जब इसकी प्लानिंग कर रहा था, नंबर वो भेजे हैं, डॉक्टर निज्जर हैं अमृतसर से, वो 500 ऑक्सीमीटर डोनेट कर रहे हैं। नीना और अजय मित्तल हैं, वो भी 500 ऑक्सीमीटर डोनेट कर रहे हैं। मोहन दसारी हैं बेंगलोर से, वो 250 ऑक्सीमीटर डोनेट कर रहे हैं। वैभव महेश्वरी हैं लखनऊ में, वो 300 ऑक्सीमीटर डोनेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। जैसा मैंने कहा कि सभी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, सभी सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं, हमारा मकसद इस पूरी एक्सरसाइज के ज़रिए किसी की भी कमी निकालने का नहीं है, सरकार के एफर्ट्स में और हाथ बढ़ाने का है, हाथ बटाने का है। तो हम सब लोग मिलके अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे देशवासियों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। नमस्कार, जय हिंद, और फिर से एक बार सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।